हेलो गेमर्स एंड वेलकम वंस अगेन टू वडीबियास गेमिंग। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपने गैस स्टेशन को लेवल 2 पे अपग्रेड किया था। तो लेवल 2 का अपग्रेड करने के बाद ये स्पेस आ गया था यहाँ पे, और अभी इसको मैं पीछे करने वाला हूँ, लेकिन ये भरा पड़ा है। तो क्योंकि ये तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये सब बिक जाए, इसके बाद मैं उठा के इसको पीछे कर दूंगा। और एक गाड़ी आई हुई है तो इसको फ्यूल कर देते हैं जल्दी से। ओके, तो इस वाले एपिसोड में हमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। अभी तो खैर हम जो हमारे मिशन है वही कर रहे हैं। ये कुछ कस्टमर आए हुए, ओके इसको साफ़ कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी चलता है ये। ठीक है, इसको उठा के रखते हैं। ओए नहीं, ओ शिट, ओ नहीं यार, ये क्या हो गया? ओ भाई साहब, इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी देखो। ओ भाई साहब, क्या खाता है भाई? जिम विम जिम जाता होगा। ठीक है, तो इसको देखते थे अच्छे से। उसका तो यार ख़राब हो गया, मतलब गिर गया और वो गुस्सा होकर चली गई। अरे आप देख रहे हो क्या फेंकते हैं लोग, केला खा के फेंका है भाई। कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। ठीक है, हमें शायद ये कूड़े वाले में इसको डालना होता है। हाँ ऐसे बिल्कुल, और ये क्लियर हो गया। थोड़ा यहाँ पे बाद में पोछा लगा देंगे, बाद में क्या अभी लगा देते हैं। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अभी के लिए काफ़ी क्लियर हो गया। और ये क्लॉक जो है, मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पे रखूँ या फिर उठा के फेंक दूँ, क्योंकि ये तो कबाड़ी है एक तरह से, और ये भी एक तरह से कबाड़ी है। मैं इसको उठा सकता हूँ और कहीं लगा दूँ। ओके, मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर लग जाए तो। ओके ठीक है, यहाँ पे लगा के रखते हैं। अभी जब काम होगा तो मैं उसको हटा दूँगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं कि अभी हमें क्या करना है। तो यू हैव अ न्यू मेल, तो एक हमारे पास कोई मेल आ रखा है, उसको देख लेते हैं चल के। तो हमारे कंप्यूटर में मेल होता है यहाँ पे, तो मैक्सिमम काम जो होता है हमारा वो कंप्यूटर में ही होता है। तो यहाँ पे मेल आ रखा है, देख लेते हैं क्या है। ये है डे 4 का मेल, अप्रूवल एंड पॉपुलैरिटी। ओके, तो हमें क्या करना होता है कि अप्रूवल चाहिए होता है, यानी कि हमें अच्छे काम करने होते हैं ताकि लोग हमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी दुकान पे आए, हमारी शॉप पे आए, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा बिके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो हमारा। तो ठीक है, यहाँ से एग्जिट करते हैं। ओके, कंप्यूटर से एग्जिट हो गए थे। अच्छा, फीचर में यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पार्किंग है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, तो ये मेरे से बोल रहा है कि ये वाला पार्किंग हमें ख़रीदना पड़ेगा, और यहाँ कुछ दे रहा है। ओके क्या है? ओ ओके ओके, तो शायद मैं टॉयलेट भी ले सकता हूँ, और पार्किंग मुझे ख़रीदना है और टॉयलेट ख़रीदना है। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया है, देखो लेफ़्ट साइड में तुमको दिखाया कस्टमर एट फ्यूल। ठीक है, तो यानी कि कस्टमर कोई आया है फ्यूल करवाने। ठीक है, तो ये मुझे बता देता है हर चीज़ कि कहाँ पे मतलब कस्टमर है। ओके शिट, मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया। ओ शिट, तो मुझे फ्यूल यहाँ से मंगाना पड़ेगा वापस से। इसमें जाकर डिलीवरी में होता है फ्यूल सप्लाई, एंड मैं ओके 0.01 है, तो पूरा 200 लीटर मैं मंगा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ इसको ब्रेकफास्ट का। और यहाँ पे कई सारे कस्टमर आ रखे हैं, इनको मैं सामान दे देता हूँ। ओ, एक चिप्स का पैकेट लिया इसने। ये तो ये बिस्किट ले जा रहा है शायद। ये इसको स्कैन किया ना मैंने, पता नहीं। ओके, तो पॉपुलैरिटी जो है हमारी पुरानी चीज़ थी वो बढ़ चुकी है, और यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक्स आ गए हैं। ये डस्ट बाउल, शायद हमें जो जितनी पॉपुलैरिटी जो पहुँचानी थी वहाँ पहुँच चुकी है। तो ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं। नो मोर फ्यूल, ओके फ्यूल नहीं है हमारे पास, तो फ्यूल जल्दी से भरवाना है हमें, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो आके रुकी हुई है। हाँ, एक आके रुकी हुई है गाड़ी। ओके भाई, जल्दी लगा यार इसको, जब मैं जल्दी से भर देता हूँ फ्यूल। ओके, फ्यूल हमारा भरने वाला है, और हमारा फ्यूल जब भर जाएगा तब कस्टमर को भी फ्यूल दे देंगे। ठीक है, तब तक वो वहीं रहेगा, कोई बात नहीं। अबे यार, ये कैन वैन फेंक देते हैं, बदतमीज लोग हैं एकदम। ठीक है, और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फीचर्स में हमें ये ख़रीदना है। ओके, पार्किंग लॉट ख़रीदना है। ठीक है, लेकिन पार्किंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो सैंड है इसको हटाना पड़ेगा, अपना जो छोटा वाला ट्रक है यानी रूडी जो है उससे। ठीक, और ये टॉयलेट है इसको ख़रीदना पड़ेगा। तो $50 का आ रहा है ये टॉयलेट, तो मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने टॉयलेट बाय कर लिया। और भी कुछ है यहाँ पे जो कि मुझे दिखा रहा है जो ख़रीदना पड़ेगा मेरे को। ओके, यहाँ क्लिक करते हैं।
ओके, तो मुझे एक और पार्किंग खरीदनी है शायद, तो चल के रूडी से उसको साफ़ सफाई करवा लेते हैं। और ये शायद इसने फ्यूल भर दिया है, हाँ फ्यूल भर दिया है इसने, तो इसको फ्यूल मैं दे देता हूँ। ओके ठीक है, वॉन्ट फ्यूल इसको दे दिया। ओके एक दो कस्टमर देख लेते हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि मेरा सामान जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे और भी सामान पहले से मंगा के रखना पड़ेगा अपने गैराज में, ताकि कभी कमी ना हो सामान की। ठीक है, ओके काफ़ी सारी चीज़ें ले जा रही है। ठीक है ओके, तो मुझे चिप्स विप्स मंगाने पड़ेंगे यहाँ पर, ड्रिंक तो कोई ले नहीं जा रहा है, चिप्स ले जा रहे हैं सब लोग। ओके मैं रूडी को ले आता हूँ और इसको खाली कर देता हूँ। ठीक है, तो रूडी हमारा शायद यहाँ पे खड़ा था, वो जो पिट है जिसके हम सैंड को डाल देते हैं, उसके बाहर खड़ा था वो, उस पिट पता नहीं कहाँ चला गया। ओके यहाँ पे कुछ आया है क्या? वो यूएफओ यूएफओ लिखा हुआ है। ओए ओ भाई साहब, सांप वहाँ पे क्या इधर? शेट। ओके रूडी यहाँ पे है। ओके मैं वहाँ ढूंढ रहा था, ये यहाँ पे। तो बैठ जाते हैं और चलते हैं साफ सफाई करने। ओके मुझे ये वाला जो है जगह खाली करना है, तो चल के कर देते हैं। और शायद एलएमबी से ही उठा ले। ओके पूरा उठा लिया। नहीं यार, ओ पूरा नहीं उठाया, पूरा नहीं उठाया, अभी और भी है। ओके फ्यूल ख़त्म हो गया हमारा। ओके थोड़ा सा आगे चल, अगर चला जाएगा तो ठीक है, मैं फ्यूल ला के डाल दूँगा इसमें, लेकिन नहीं, बैड लक। तो फ्यूल लेके आते हैं, चलो अपना ही गैस स्टेशन है, फ्री का फ्यूल है अपना, और इसमें फ्यूल भी डाल देते हैं जो गाड़ी यूज कर रही है हमारा। चलो फ्यूल के लिए हमें क्या करना होता है, ये जेरी कैन लेना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे ये अपने आप भर लेगा। ओके फुल हो गया हमारा फ्यूल, और चल के उसमें डाल देते हैं अपने रूडी में। ओके तो पता नहीं यार इसमें से स्पार्क क्यों आ रहे इतने सारे, ये देख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मतलब तो फूटने वूटने तो नहीं वाली है? ओके यहाँ पे फ्यूल हम डाल देते हैं, और भाई साहब पूरा पी गई। ओके तो चल के इसमें डाल देते हैं एलएमबी से। ठीक है, ओके तो हम आ चुके हैं सैंड डिस्पोजल पिट पे, और इसके अंदर जाके सैंड को गिरा देते हैं, और मैं रूडी को यहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, रूडी को यहीं छोड़ देते हैं और चलते हैं वापस से अपने स्टेशन में, कंप्यूटर पे जाके ये वाला जो पार्किंग स्पेस है इसको भी ख़रीद लेंगे, तो ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क होंगी यहाँ पे हमारे स्टेशन पे, ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा पैसा होगा हमारे पास। तो भाई साहब तो बहुत सारा फ्यूल ले जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया उसको। ओके तो लेट्स गो ऑन आवर कंप्यूटर, और फिर यहाँ पे था फीचर्स में और अदर्स में। ओके ये वाला पार्किंग हमें ख़रीदना था, $399 का है, तो मैं ख़रीद लेता हूँ इसको। ओके तो आप अभी दो पार्किंग शायद हम और ख़रीद सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वॉशरूम है यानी कि टॉयलेट है, तो इसमें क्या कर सकते हैं मैं जाके देखता हूँ। शायद ये वाला टॉयलेट जो है यही वाला टॉयलेट है शायद, हाँ ये ओपन हो चुका है। ओ नाइस वन। ओके तो इसको मैं फेंक सकता हूँ क्या? ठीक है एक मिनट देखता हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा टॉयलेट है यार। ओके इसमें, हाँ इसमें मैं डाल सकता हूँ ये सब फालतू का सामान जो है। ठीक है इसको उठाते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। अरे और ये बकेट साइज को भी फेंको। ठीक है ओके, थोड़ा यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, उन कीचड़ों वाले पैर से चल के आता है भाई। ओके इसको साफ कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये भी गंदा है बहुत ज़्यादा? नहीं शायद नहीं, इसको नहीं कर सकते हम। ओके ये क्या चीज़ है, वॉशरूम क्लीनिंग चेकलिस्ट। अच्छा तो मतलब कोई साफ़ सफाई भी करने आता है क्या इसको? कस्टमर रखा है फ्यूल लेने के लिए, तो इसका फ्यूल भर देते हैं हम। ठीक है तो ये हो गया हमारा काम फिनिश, और सामान है अभी हमारे पास, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो इसको भी इसी तरह साफ कर लेते हैं।
ठीक है देखा लो। तो अपने गैस स्टेशन को साफ रखने से क्या होता है कि ज़्यादा कस्टमर आते हैं उससे और ज़्यादा लाइक भी देते हैं हमें, तो काफ़ी अच्छा होता है वो। और देख लेते हैं इसमें से कुछ चोरी कर सकते हैं हम लोग। नहीं, इस ट्रक में से कुछ चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और गाड़ी आएगी तो उसमें चोरी करेंगे। ओके, आ भी गई। तो इनको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके गाड़ी से चोरी हो रही है या नहीं, तो मैं तो चोरी करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमें $26 मिल गए इसमें से, जो ख़राब नहीं है। ठीक है, और इसका ट्रंक नहीं खुल सकता क्योंकि पिकअप ट्रक है, तो शायद पिकअप ट्रक में ट्रंक नहीं होते पीछे। ओके, एक गैस में भी कोई कस्टमर है। ठीक है, तो उसको चल के भी हम सामान दे देते हैं। ओके, दो दो कस्टमर है यहाँ पे। ओके, तो मुझे वर्कशॉप बाय करनी है फ्रॉम मेन पीसी, ये मेरा जो है करंट टास्क है। तो ठीक है, इसको हम इसको साफ कर देते थोड़ा सा। ओके, इस वाले कस्टमर को देखने के बाद हम अपना वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि वर्कशॉप क्या है। ये पुलिस वाला आ गया एक, तो ठीक है इसमें कंप्यूटर में चल के हम देखते हैं। ओके, हमारा यहाँ पे वर्कशॉप है जिसको हमें रिस्टोर करना है, और $300 लग रहा है इसके लिए, और मेरे पास $365 ही बचे हैं केवल। तो ठीक है, रिस्टोर कर देते हैं, कोई बात नहीं है, देखते हैं। ओह, हमारा वर्कशॉप खुल गया, और देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे वर्कशॉप में क्या होता है। ओके ठीक है, तो कोई टूल वूल का काम होता होगा मुझे लग रहा है, या फिर टूल्स हम बेच सकते हैं शायद अपने शॉप में। ओके ओके, तो ये जब तक सामान ले रहा है मैं देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वर्कशॉप है ये। ओ, नई बिल्डिंग आई है हमारे यहाँ पे, और ये है वर्कशॉप। यहाँ क्या है? ओ, इतने सारे इलेक्ट्रिक के मीटर्स हैं शायद। अच्छा, इसके दो तरफ से इसके गेट्स हैं। ओके, ओ समझ गया, यहाँ देखो टायर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे ये मिरर्स रखे हुए हैं। ओके, तो शायद यहाँ पे गाड़ी रिपेयर करते हैं हम लोग। ओ हाँ, यहाँ पे गाड़ी की पिक भी है, तो कैसे करते हैं वो मेरे को नहीं पता, शायद ये बताएगा हमें। तो इसमें कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है तो फेंक देते हैं ज़रा। ओके, तो एक दो कस्टमर आए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वो नाराज होकर भागे ना और हमारा जो लाइफ गोल है वो कंप्लीट, वो फेल ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, और इसको भी देख लेते हैं। तो ज़्यादा तेल नहीं लिया इसने। ओके, तो इसमें चल के मुझे देखना है कि होता। ओके, गाड़ी आई है एक हमारे पास, नाइस। ओके, तो क्या करना है? वेट फॉर क्लाइंट इन द वर्कशॉप एंड फिक्स हिज कार। ओके, तो मुझे इसकी कार को फिक्स करना है। तो मैं क्या करूँ? अच्छा, यहाँ पे कुछ आ रहा है। ओह ओके, यार स्विच है शायद, इसको प्रेस करना है। ओह ओ ओ ओ ओ, गाड़ी देखो ऊपर जा रही है। ओके, रिपेयर। ओके, क्या करना है मेरे को? LMB टू पिकअप, क्लिक LMB टू पिकअप। ओके, नीड स्क्रैच रिमूवर टू फिक्स कार स्क्रैच। ओके, मुझे स्क्रैच, इसमें स्क्रैच रिमूवर चाहिए कुछ। यहाँ तो मिरर है, यहाँ टायर्स हैं। ओके, ये क्या है? क्लिक टू पिकअप। ओके, ये है क्या? इससे इससे होता है क्या? RMB टू थ्रो। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखो रखा हुआ है स्क्रैच रिमूवर। ठीक है, स्क्रैच डॉक्टर ये जो है। ओके, तो ये मुझे उठाना है। ठीक है, और स्क्रैच है कहाँ? प्रेस LMB ऑन ब्रोकन पार्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके शिट, मैंने नीचे गिरा दिया इसको। ओके, तो मैंने उठा लिया वापस से स्क्रैच रिमूवर, और यहाँ पे मुझे स्क्रैच रिमूव। ओके, तो ऐसे करना है मेरे को। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रैच हमें रिमूव कर देना है इसका। ठीक है, और अभी तक रिमूव। ओके, हो गया स्क्रैच रिमूव, हो गया इसका, और यहाँ पे भी तो स्क्रैच है शायद, इसको नहीं रिमूव करना क्या। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे देखो रेड रेड आ रहा है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मतलब जो भी गड़बड़ होगा वो मुझे रेड में दिखाएगा। ठीक है, तो इसका फ्रंट का एक टायर गया हुआ है। ठीक है, इसका बैक का टायर सही है एक। ओके, इधर का भी टायर सही है, इधर का भी टायर सही है।
तो मुझे क्या करना होगा कि ये वाला टायर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे टायर रखा हुआ है, मैं इसको ले आता हूँ। और उससे पहले मुझे ये वाला टायर निकालना पड़ेगा LMB2 पिकअप के नीड व्हील टू स्टार्ट अ ब्रोक। ओके, तो मुझे ये वाला व्हील चाहिए होगा पहले, और इसके बाद ओके, अब हम निकाल सकते हैं इस व्हील को। ओके, तो एक एक करके हम निकालते हैं। ठीक है, हमने इसका नट निकाल दिया, फिर व्हील निकाल दिया, इसका नया व्हील लगा देंगे और इसके बाद स्क्रू कर देंगे। नाइस, तो ये हमने कार को फिक्स कर लिया। शायद और भी कुछ है क्या इसमें गड़बड़, देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हम खोल सकते हैं इसका ट्रंक आगे का, और इंजन देख सकते हैं कि इंजन तो कोई ख़राब नहीं है। नहीं, इंजन सब सही है इसका। ओके, ये वाला मिरर जो है ये ख़राब है, तो मुझे मिरर यहाँ पर, यहाँ रखा होता है मिरर। ओके, तो इसको चल के बदल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे टूटे हुए ग्लास हैं, शायद इसको निकालना पड़ेगा हमें, और यहाँ नया ग्लास लगाना पड़ेगा। ओह नाइस, तो हमने फर्स्ट कार अपनी रेडी करके इसको दे दी है, और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, देखते हैं क्या है। ऑर्डर कार पार्ट्स टू रिस्टॉक योर सप्लाइज। ओके भाई साहब, लाइन लगी पड़ी है यहाँ, तो ठीक है जल्दी जल्दी इनको दे देते हैं, इसके बाद मिशन करते हैं। ओके, तो मैंने सारे कस्टमर को अभी तक देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चल के हमें कुछ कार के पार्ट्स मंगाने हैं, तो देख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ टायर्स हैं, स्क्रैच रिमूवर हैं, कार मिरर्स हैं, इंजन ऑयल है, और ओके, तो हम ओके, कार के व्हील्स जो हैं बहुत सस्ते हैं अभी, तो ऐड कर लेते हैं कार्ट में। कुछ स्क्रैच रिमूवर ऐड कर लेते हैं, और कुछ मिरर्स भी ऐड कर लेते हैं, और देखते हैं कि कितना हुआ इसका टोटल। तो 182 हुआ, तो क्या हम और भी कुछ ऐड कर लें थोड़े थोड़े। ओके, तो सब मंगा लेते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है, तो हमारा हो गया टास्क पूरा, और अब हमें वेट करना है डिलीवरी ट्रक का। देखते हैं कि कोई और गैरेज में हमारे कार आई है या नहीं। ओके, कार आ रखी। ओ भाई साहब, ये कीचड़ में कुदा के लाया है क्या कार को। ठीक है, तो इसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है भाई, इस कार की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। इसका एक मिरर चेंज करना पड़ेगा, आगे का टायर चेंज करना पड़ेगा, और ये मिरर सही है। हाँ, ये मिरर सही है, और देख लेते हैं कि अंदर भी कुछ गड़बड़ी है। नहीं, अंदर ठीक है सब चीज़। ठीक है, तो एक टायर और एक मिरर इसमें चेंज करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले टायर लगा देता हूँ इसमें, इसको अनस्क्रू किया, टायर को निकाला, एक नया टायर लगा दिया, और इसको स्क्रू कर दिया, बस हो गया। और एक मिरर चाहिए हमको यहाँ से। ठीक है, जो कि राइट क्लिक करने पे उठा लिया हमने, और इसके बाद इसमें लगा देते हैं मिरर। ये टूटे वाले जो पीसेस है इसको निकाल दो और नया वाला लगा दो। नाइस, कार इज रेडी, और $180 मेरे को मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले टायर्स को मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ ताकि कूड़ा ना भरे अपने कैरेज में, और मैं सोचता हूँ कि ये रिपेयर हो सकते होंगे शायद, पता नहीं। हाँ, कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे ये टायर्स को हम रिपेयर कर सकें। ठीक है, इसका काम नहीं है क्या, आप अगर मैं इसको वापस यूज़ कर सकूँ तो। ठीक है, वापस ट्राई करेंगे। हाँ, तो अभी के लिए हमारा डिलीवरी शायद आ चुका है कार के पार्ट्स का। नहीं, शायद दूर है। नहीं, आ चुका है, ये यहाँ वेट कर रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको खोल देते हैं ताकि ये ट्रक वापस आ अंदर आ जाए, और इसका पीछे का ट्रंक खोलते हैं, और यहाँ से सामान निकाल के और इसके बाद इसमें डाल दो, बस। ओके, तो ट्रक जा चुका है, पर गेट तो बंद करवा लिया कर यार।
ठीक है, तो हम चलते हैं वापस से अपने गैराज में और वहाँ पे सामान रख देते हैं ये वाला। ठीक है, बहुत सारी गंदगी फैल रखी है यहाँ पे जो मैंने अभी तक साफ़ नहीं किया है। तो कभी खाली टाइम में मैं कैमरा जो है, कभी खाली टाइम मिलेगा तो मैं इसको कर दूँगा। तो ठीक है, प्लेस कॉल कर देते हैं यहाँ पे। हैं, अरे भाई, इतने सारे टायर मंगाए थे मैंने, अभी दो ही ऐड हुए बस यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी प्लेस ऑल कर देते हैं, और इसमें भी कुछ था, यहाँ पे भी प्लेस ऑल कर देते हैं। शायद मैंने कम कम मंगाया है क्या। ओके, तो कुछ कस्टमर आ रखे हैं अपने फ्यूल डिपो पे, तो यहाँ से फ्यूलिंग कर देते हैं इसकी। ओके, तो कुछ हमारे पास नए चैलेंजेस आए हैं। हमें क्या करना है, 11 कार्स को फ्यूल करना है, कस्टमर सर्व करने हैं 25 और कार रिपेयर करनी है 5। ओके, वैसे भी कस्टमर की तो लाइन लगी है हमारे पे, शायद आसपास कोई दूसरे गैस स्टेशन नहीं है इसलिए हमारे पे लाइन लगी पड़ी है। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा था, लेकिन गड़बड़ होने के चांस रहते हैं जल्दीबाजी में, तो आराम से करते हैं। ओके, तो हमारा एक अचीवमेंट अनलॉक हो गया अपना काम करते करते, और पता नहीं क्या हुआ है, डेजर्ट इन बाउल कुछ ऐसे करके था। तो हमने अभी तक क्या किया है कि कार्स हमने फ्यूल कर दी है 5, अभी हमें 11 करनी थी, यानी 6 और करनी है हमें। हमने कस्टमर सर्व किए हैं 11 आउट ऑफ 25 और कार रिपेयर करी है 3 आउट ऑफ 5। तो अभी हम बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पे कार आ रखी है, पर मैं पहले इनको सर्व कर देता हूँ कस्टमर को। इसके बाद मैं जल्दी से, जब ये सब पूरा हो जाएगा टास्क, तब मैं मिलता हूँ। ओके दोस्तों, तो हमने अपना चैलेंज जो है वो बस कंप्लीट कर ही लिया है। हमें क्या करना था, हमें 11 कार्स को फ्यूल करना था जो कि हमारा पूरा हो चुका है। हमें कस्टमर को सर्व करना था 25 जो कि हमने पूरा कर लिया है। अब हमें एक लास्ट हमारा एक टास्क बचा हुआ है कि एक कार को रिपेयर करना है जो कि मैं रिपेयर कर रहा हूँ, और थोड़ा कार का व्हील मेरे पास ख़त्म हो गया था तो वो मंगाया मैंने। तो ठीक है, इसमें एक व्हील लगा देते हैं क्योंकि इसका एक व्हील जो है वो ख़राब है। तो इसको अनस्क्रू करते हैं एंड इसके व्हील को निकालते हैं, और इसके बाद इसके व्हील को लगा के इसको स्क्रू कर देते हैं। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं इसमें क्या खराबी है कार में। ओके, इधर का व्हील भी गया हुआ है, तो एक और व्हील मुझे चाहिए होगा। व्हील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है मेरे को, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे व्हील और मंगा के रख लूँ, लेकिन मेरे पास पैसे उतने नहीं हैं कि मुझे अभी सप्लाइज मंगानी है, अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स और बिस्किट्स की जो सप्लाई है वो मंगानी है मुझे। और ओके, स्क्रैच रिमूवर मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसको तो अभी मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, इसका स्क्रैच मैंने रिमूव कर दिया। और ओके, यहाँ पे एक मिरर भी ख़राब है, तो इस मिरर को भी चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये गया, नया मिरर आ गया। ओके, इस साइड देख लेते हैं कि और कुछ ख़राबी तो नहीं है। ओके, एक स्क्रैच रिमूव करना है हमें बस, और ये गाड़ी सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ चल के हम स्क्रैच रिमूव कर देते हैं। ओके ठीक है, ये वाला बड़ा सा स्क्रैच है यहाँ पे इसमें। ओके, ऐसे रिमूव होता है क्या? ओके, बस कैसे भी किसको कर देना होता है। ठीक है, ओके, तो हमारा अचीवमेंट जो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अपने गैस स्टेशन को 3rd लेवल में अपग्रेड करना है। और एक और बात मैं तुमको बता दूं कि इसको करते करते हमारा जो लाइक का गोल था वो 3 लेवल पे पूरा हो चुका, मतलब 3 लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि और ज़्यादा कस्टमर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं देख लेता हूँ, चिप्स हमारे पास थोड़े से बचे हुए हैं, ड्रिंक्स हमारी ख़त्म ही हो चली है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्यूल दे देता हूँ, और इसके बाद ओके, यहाँ पे कुछ कस्टमर वेट कर रहे हैं, तो इनको भी मैं काम फिनिश कर देता हूँ जल्दी से। ओके, मैंने अपने कस्टमर्स को भी देख लिया है, अब कोई कस्टमर यहाँ पे नहीं है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने कंप्यूटर पे जाके इस गैस स्टेशन को थर्ड लेवल में अपग्रेड कर सकता हूँ और कुछ नई चीज़ें, कुछ बेहतरीन चीज़ें आएंगी और अपना जो फ्यूल कैपेसिटी है वो भी शायद बढ़ने वाला है यहाँ पे। तो ठीक है, मैं अपग्रेड कर देता हूँ और यहाँ पे जाके यहाँ से अपग्रेड करना पड़ेगा हमें गैस स्टेशन लेवल 3 में, जो कि मैंने अपग्रेड कर दिया है। ओके, तो हम देखते हैं अब क्या एक्स्ट्रा आया है हमारे पास। ओके, यहाँ से तो कुछ विजिबल नहीं है पर देखते हैं। ओके, रिकंस्ट्रक्ट द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ योर स्टेशन। ओके, तो अपना जो है यहाँ पे कोई फ्रंट ऑफ स्टेशन में बस स्टॉप है, उसको रिपेयर करना है, लेकिन उससे पहले इसमें फ्यूल डाल देते हैं। तो मुझे फ्यूल भी देखना है कि कहाँ, क्या पता फ्यूल तो नहीं ख़त्म हो गया। तो देख लेते हैं कि फ्यूल अपने पास कितना बचा हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ है। हाँ, तो पार्किंग स्पॉट्स में कुछ नहीं है। ओके, टॉयलेट को हम बड़ा कर सकते हैं लेकिन $150 लग रहा है, तो मैं अभी वेस्ट नहीं करना चाहता पैसे फालतू जगहों पे। तो ओके, फ्यूल डिस्पेंसर एक और हम ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ओके नाइस, ये काफ़ी अच्छा होगा ख़रीदना, $250 का है। ओके, तो हमें ये बस स्टॉप बनाना है, ठीक है, तो ये $99 का है तो मैं ख़रीद सकता है। ओके, और मुझे कुछ करना है तो यहाँ पर कुछ और ब्लिंक कर रहा है तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, अब शायद मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सर्व ऑल द बस कस्टमर एंड वेट फॉर इट टू लीव। ओके, तो बस से कोई कस्टमर आ रहा है, ठीक है, तो मैं कुछ सप्लाई अपनी मंगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई मेरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब प्रोडक्ट्स की। सॉफ्ट ड्रिंक कुछ मंगा लेते हैं हम, तो मैं सस्ती वाली सॉफ्ट ड्रिंक मंगाने वाला हूँ। ये मंगा लेते हैं और ये कुछ मंगा लेते हैं और स्नैक्स कुछ मंगा लेते हैं। स्नैक्स भी हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ओके, स्नैक्स एक एक सब मंगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या इतना मैं मंगा सकता हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी शायद बहुत कम है अभी के लिए, तो मैं नहीं मंगा सकता शायद। ओके, मैं कहाँ से पे करूँ। ओके, पे करने का कहाँ होता है। ओके, तो शायद मैं नहीं मंगा सकता इतना आइटम, इसको हटाते हैं। ओके, 265। ओके, तो मैं 200 का ही आइटम मंगा सकता हूँ सिर्फ। तो कुछ चिप्स मंगा लेते हैं और कुछ ड्रिंक्स मंगा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इतना मंगा सकता हूँ। क्या मैं ड्रिंक मंगा सकता हूँ कोई और। ओके, तो 200 ही पूरा हो चुका है, तो हमने ऑर्डर कर दिया और यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। तो एक कस्टमर आ रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल भराने आया है कोई कस्टमर, तो इसका फ्यूल डाल देते हैं जल्दी से। सुपर। ओके, एक मेल है हमारे पास और गैरेज में एक कार है जिसको रिपेयर करना पड़ेगा, तो जल्दी से चल के इसको रिपेयर कर देते हैं। अरे भाग क्यों गई, अरे शिट। ओके, शायद मैंने बहुत देर कर दी और वो गुस्सा होकर भाग गई, कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो मेरा लाइक जो है, वो लाइक का जो तुम मीटर देख सकते हो ऊपर लेफ्ट में, यहाँ पे 3 लेवल लिखा। ओए, ये क्या है। अबे ये कौन घुस रहे हैं। अबे रैप्टर का सर क्यों लगा रखा है। नहीं, छिपकली है ये तो। अरे ये एलियन है। ओए, अच्छा इसको, सॉरी भाई। ओके, वो भाग गया शायद। शिट। ओके, ये सब क्या, ये कर क्या रहे हैं मेरे दुकान में, ये सब गंदगी फैला रहे हैं यार। ओके, छोड़ो इनको यार, पता नहीं कौन है यार, इतने सारे आ गए ये लोग। ठीक है, मैंने डिलीवरी मंगाई थी जल्दी से, उसको मैं ले लेता हूँ। ओके, डिलीवरी मैंने पूरी ले ली है, अब इस ट्रक को जाने देते हैं।
और अपना वेयरहाउस बंद कर देते हैं इन केस कोई चोरी ना हो। ओके तो ये कौन थे मुझे नहीं पता। ओके शायद मैंने बस स्टेशन अपग्रेड किया इसलिए ये लोग आए क्या। ओके यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे प्लेस ऑल कर देते हैं। ओ ड्रिंक मैंने दो ही टाइप की मंगाई है लेकिन चिप्स बहुत सारे टाइप का है अपने पास, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ओके नाइस। ओके ये खाली ये कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं हम। यहाँ पे इतना कचड़ा फैला के चले गए, ये देख रहे हो हद है यार। ओके अचीवमेंट अनलॉक्ड पार्टी बस। ये पार्टी बस क्या है? ओके मुझे वहाँ कुछ दिखा रहा है। ओके मैं इसको देख लेता हूँ। ओके तो एक फ़ोन कॉल आ रखा है, शायद अंकल का ही होगा अपने फ़ोन कॉल, तो चल के जल्दी से पिकअप कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं अंकल वापस से। How was the rush hour, nephew? ओके तो यहाँ पे हमारे अंकल ने बोला कि ये जो बस से एलियन आए थे ये रेंडमली आते रहेंगे और हमें इनको सर्व करना है जिससे कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो यही सब बताया उन्होंने और कुछ हेल्प के बारे में बोला जो मुझे समझ में नहीं आया, तो बाद में देखेंगे इसको अभी देखते हैं। अभी देख लेते हैं हम। ओके तो एक गैरेज में कार आ रखी है उसको हम रिपेयर कर देते हैं जल्दी से। ओके ओए अबे यार फिर ये कार चली गई, लोग गुस्सा हो जाते हैं यार मेरे से, मतलब मैं रिपेयर करने जल्दी नहीं आता तो वो लोग भाग जाते हैं। फिर से नुकसान हो गया मेरा, क्योंकि अगर रिपेयर करता तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसे कार रिपेयर से ही मुझे आ रहे हैं। मुझे लगता है मुझे चेक करना चाहिए मुझे किस चीज़ से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। ओ ओ वाओ हाँ ओके, तो इतना बड़ा टॉयलेट हो चुका है लेकिन सीट नहीं लगी इसमें। अच्छा इसमें तो अंदर जा ही नहीं सकते। ओके तो यहाँ पे इतना सारा टॉयलेट आ चुका है हमारे पास, पता नहीं कहाँ से आया, मैंने कुछ किया नहीं फिर भी। ओके तो एक कार आ रखी है, जल्दी से चल के गैरेज में इसको रिपेयर कर देते हैं वरना ये भी गुस्सा होके हमसे भाग जाएगी या फिर भाग जाएगा जो भी अच्छा जाएगी ठीक है। तो जल्दी से इसको कार को देखते हैं रिपेयर करते हैं। तो एक टायर गया हुआ है इसका, दूसरा भी टायर गया हुआ है और तीन टायर इसके ख़राब हैं और इसका मिरर भी गया हुआ है एक। ओके दोनों मिरर गए हुए हैं इसके, ठीक है तो मिरर चेंज करते हैं वापस से ठीक है। तो जल्दी जल्दी काम करते हैं और जल्दी से मिरर इसका चेंज करते हैं ठीक है। नया यहाँ मिरर लगा दिया हमने। ओके तो दूसरा मिरर लेते हैं और इसको भी चेंज कर लेते हैं जल्दी से। ओके तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके तो इसका टायर बदल लेते हैं जल्दी से। ओके तो एक टायर हमने चेंज कर लिया, इसका बाकी दो टायर भी चेंज करने हैं और मैं जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं और भी कस्टमर को जल्दी जल्दी संभाल सकूं, क्योंकि मेरे पास तीन तीन काम है यहाँ पे। मुझे फ्यूल संभालना है, मुझे गैरेज संभालना है और मुझे कैश रजिस्टर संभालना है। तो ठीक है काम जो है मेरे पास बहुत सारे हैं और मैं अगर कुछ हेल्प मिलती, अगर कोई कुछ और बंदे अगर हायर करने वाले होते तो शायद मैं हायर कर लेता, पर पता नहीं होते भी होते इसमें नहीं होते होंगे शायद, मुझे अपने आप पता पड़ेगा ठीक है। तो हो चुका है रिपेयर, जल्दी से चलते हैं कैश रजिस्टर पे, वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं लेकिन उससे पहले ओके दो ही बंदे हैं, इस वाले कार में फ्यूल डाल देते हैं जल्दी से ठीक है। और इनको हम सर्व करते हैं जल्दी से।
a lifesaver. ओके तो यहाँ पे एक कार रखी है, इसमें भी फ्यूल कर देते हैं हम। और मेरे कैश रजिस्टर के सारे कस्टमर जो है वो ओके, एक अचीवमेंट हमारी अनलॉक हुई। ओके लोकल सेलिब्रिटी। ओके तो हम लेवल 4 पे पहुँच चुके हैं लाइक के मामले में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ओके तो मैंने एक चीज़ जो है वो यहाँ पे देखी है कि ये जो है इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी लाइक बढ़ रही है, मैं लेवल 4 का हो गया हूँ और इसका कलर ब्राउन से मेटेलिक टाइप का हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस एपिसोड को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।